कि केंद्र सरकार द्वारा देश की सुरक्षा का चौथा स्तंभ ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का निगमीकरण किए जाने के विरोध में सोमवार को ओईएफ फूलबाग कानपुर किला मजदूर यूनियन के अध्यक्ष सिद्धनाथ तिवारी महामंत्री जफर अहमद द्वारा ओईएफ मुख्य गेट पर कांग्रेस नेत्री करिश्मा ठाकुर को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान यूनियन अध्यक्ष सिद्धनाथ तिवारी ने कहा, केंद्र सरकार पूरी तरह से सत्ता के नशे में मतवाली होकर तानाशाही पर उतारू है। वह देश की सारी धरोहरों को बेचने के साथ देश की सुरक्षा को ताक पर रख ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का भी पूंजीपतियों सौदा करना चाहती है, जिसके विरोध में 19 जुलाई 2021 से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान महासंघों द्वारा कर दिया गया है। कांग्रेस नेत्री करिश्मा ठाकुर ने कहा कि निगमीकरण के मुद्दे को प्रियंका जी हर हाल में लेकर जाएंगी और उनसे अनुरोध करेंगी कि इस मुकदमे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने के साथ निगमीकरण का पूरा जोर विरोध करें। साथ ही उन्होंने कहा कि वे स्वयं ही निगमीकरण के विरोध में रक्षा कर्मियों के हर आंदोलन के साथ खड़ी होंगी। देश की सुरक्षा और रक्षा कर्मियों के भविष्य के साथ किसी को खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। निश्चित रूप से मजदूरों को समाप्त करने पर तुली हुई है, उनके परिवार को बर्बाद करना चाहती है। जो सरकारी नौकरियां हैं उनको पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए ये आमादा है। इसी विषय में 41 जो 200 साल का इतिहास रहा है, जिसने नेहरू जी ने इतनी मेहनत करके 18 से 41 आयुध निर्माणी फैक्ट्रियों का निर्माण किया, आज ये केंद्र की सरकार उसको बेच निगमीकरण करने पर उतारू है और कर भी दिया है। मेरा आपसे ये निवेदन है कि जैसे पूर्व में हमारे पूर्व में रक्षा मंत्री एके एंटोनी साहब रहे, हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ये ज्ञापन दिया गया है। देखिए, जिस तरह हम देखते आए हैं कि जब से भाजपा सरकार सत्ता में काबिज हुई है, ये देश को बेचने का काम कर रही है। आज ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिनका इतिहास रहा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करने वाले हमारे कर्मचारी भाई, हमारे एम्प्लॉयज परेशान हैं, क्योंकि इसका निगमीकरण की शुरुआत पिछले साल 2019 में हुई थी और कहीं ना कहीं अब निगमीकरण कर दिया गया है। तो हम सभी इस बात का मुद्दा उठाते हैं, क्योंकि मेरी विधानसभा गोविंद नगर में भी सेफ हो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हो, फील्ड गन हो, हमने देखा है कि हजारों की तादाद में लोग वहां काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं। और ये जो भाजपा सरकार है, ये उतर आई है कि इसका भी निगमीकरण करेंगे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी बेचा जाएगा। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी और मैं करिश्मा ठाकुर अपने कर्मचारी भाइयों के समर्थन में आई हूं और आपकी आवाज मैं प्रियंका जी तक पहुंचाने की पूर्ण कोशिश करूंगी और पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।